गाइस आई एम विग्नेश खारगे एंड आज हमारे साथ में एक बहुत ही वेल नोन कोच मिस्टर वीरेंद्र यादव है। वो हेड कोच है प्रहलाद राय दालमिया लायंस कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स। एंड उसके अलावा ही हैज बीन अ वंडरफुल क्रिकेटर हिमसेल्फ। 2012 और 13 में वो मुंबई यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किए थे एट द नेशनल एज वेल एज द वेस्ट जोन लेवल। ही प्लेड फॉर JNPT इन द ऑल इंडिया पोर्ट टूर्नामेंट्स। एंड ही ऑल्सो हैज 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन द काउंटी लीग्स इन इन मिडिलसेक्स। सो वेलकम सर, आप कैसे हो आज? मैं बहुत अच्छा हूँ। थैंक यू विग्नेश, आप कैसे थैंक हो? यू, ऑल गुड। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कमिंग अलॉन्ग आपके बिजी शेड्यूल में से। एंड चलो लेट्स स्टार्ट विद अ फ्यू क्वेश्चंस अबाउट योर सेल्फ। आपको ये जो कोचिंग का पैशन है वो कहाँ से आया? कोचिंग का पैशन जब मैं उमेश सर को मिला, उमेश पटवाल सर को, जो कि मेरे मेंटोर है, मेरे गाइड है, तो उनसे वो इंस्पिरेशन मिला है कि कोचिंग में मैं अच्छा कर सकता हूँ। तो मुझे एक पॉइंट पे लगा कि साइड बाय साइड अगर कोचिंग में मैं अपना एक करियर बना सकता हूँ, कि एज अ क्रिकेटर भी मैं डेवलप हो सकता हूँ प्लस कोचिंग में भी करियर में बना सकता हूँ, तो फिर वहां से ही मुझे इंस्पिरेशन एक्चुअली मिला है। सुपर। एंड वो आपको देख रही लग रहा है कि आप बहुत यंग है, एंड इवन दो आप बहुत यंग है यू स्टिल हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस एज अ कोच। सो वी'ल गेट इनटू दैट सून। आई थिंक द व्यूअर्स आर वेरी मच इंटरेस्टेड टू नो। सो दालमिया कॉलेज, नाउ आप ये कॉलेज के कोच कब से हैं? मैं तकरीबन 8 साल से, पिछले 8 साल वाह, से मैं तो कोचिंग कर रहा हूँ। और जब मैं 2012-13 में मेरा एजुकेशन खत्म हुआ, दालमिया कॉलेज में मैं पढ़ता था, फिर उसके ओके। बाद 2013 में मुझे जो मेरे राजेश मौर्या सर है हमारे, उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि आप कॉलेज को क्रिकेट कोचिंग करोगे। तो मैंने बोला कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो उसे जरूर ग्रैब करना चाहिए। तो मैंने वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब की और फिर आज लगभग 8 साल बीत गए और पता भी नहीं चला है टाइम कैसे चला गया।8 years is a long time, no? बहुत a lot of efforts, a lot of time that I invested in the college. So that's a great thing to hear. Before we move on to the next question, I would like to thank our sponsors for the video, Nataraj. So Nataraj, thank you for coming along the video and sponsoring the video. We would like to know कि आपके कॉलेज में क्रिकेट के डेवलपमेंट्स क्या क्या है अभी के लिए? क्रिकेट में मेनली कैसे, जैसे अभी रेनी सीजन स्टार्ट होगा, अभी कैसे ये साल तो खत्म हो गया है, पर जब नेक्स्ट ईयर अभी स्टार्ट होगा तो फिर हम इस तरीके से प्लान करते हैं कि जैसे मॉनसून सीजन आता है तो राइट हम जो बच्चे के फिटनेस लेवल पे काम करते हैं और स्किल डेवलपमेंट में काम करते हैं, कि जब सीजन स्टार्ट होगा तो उनको ईजी हो जाए जो चीज़ें, राइट वो या चीज़ों को, और एक अच्छे फिटनेस के साथ वो जो टूर्नामेंट्स होने वाली है वो टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म कर सके। तो जो भी हम स्किल डेवलप कर रहे हैं उसको हम हमारे जो आने वाले मैचेस है उसमें वो एग्जीक्यूट कर सकें, तो इस तरीके से प्रिपरेशन हम करते हैं। सुपर्ब सुपर्ब सर। एंड यू मेंशन कि आप 8 साल से कॉलेज के कोच हो। सो फ्रॉम दैट टाइम टिल नाउ, व्हाट आर दी इंफ्रास्ट्रक्चरल जो भी फैसिलिटीज है क्रिकेट के, वो कैसे डेवलप हुए एंड हाउ बेटर हैज इट गॉटन? अगर फैसिलिटीज की बात करें कॉलेज में, तो हमारे पास एक छोटा ग्राउंड है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं कि जैसे बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं हमारे कॉलेज में, तो वो राइट उसके अकॉर्डिंग हम लोग टाइम मैनेज करते हैं और उसी के हिसाब से हम प्रैक्टिस भी रखते हैं। तो जैसे मॉर्निंग हुआ तो मॉर्निंग में क्रिकेट क्रिकेट की प्रैक्टिस हो जाती है, और ओके प्लस एक अदर एक इंडोर गेम्स ले ले हम, कैरम और टेबल टेनिस वगैरह की प्रैक्टिस कर लेते हैं। और जैसे ही ग्राउंड अवेलेबल होता है तो फिर वॉलीबॉल, कबड्डी और फुटबॉल। तो फुटबॉल के लिए हमने बेसिकली हमारे पास एक दूसरा ग्राउंड है जहाँ पर हम फुटबॉल के लिए प्रैक्टिस करते हैं। और बाकी ओके अदर अगर हम फैसिलिटी की बात करें तो कॉलेज से हमें काफ़ी फैसिलिटीज मिलती है, मतलब एज अ रिगार्डिंग टू स्पोर्ट्स प्लेयर, तो जैसे अटेंडेंस हो गया, इक्विपमेंट्स हो गया, क्लोथिंग्स हो गए, और कहीं पे अगर प्रैक्टिस मैचेस खेलने तो उसके लिए अलाउ करते हैं, और हमको जो TAD है, जैसे जो ट्रैवलिंग एंड डेली अलाउंस होता है वो भी हमें राइट मिलता है जब वाह जब मैचेस खेल उसको रिप्रेजेंट कहीं पे भी करते हैं, जैसे कोई प्राइवेट टूर्नामेंट हो गया या फिर यूनिवर्सिटी लेवल पर टूर्नामेंट हो गया या DSO लेवल पर टूर्नामेंट हो गया, तो उसके लिए कॉलेज से भी हमें वो अलाउंस वगैरह भी मिलता है। और सुपर जैसे कि और एक फैक्टर है, जैसे कोई एक नेशनल प्ले के लिए अगर रिप्रेजेंट कर रहा है या स्टेट लेवल के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है या यूनिवर्सिटी लेवल पर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ऐसे प्लेयर्स को हमारी तरफ से जो फ्रीशिप है, फ्रीशिप जैसे बोले कि आप जब एडमिशन लोगे तो आपको फीस नहीं भरना होता है, तो राइट वो उनके
मोटिवेशन होता है कि अगर आप कहीं पर आप एक लेवल आप अचीव किया है आपने और आप खेल रहे हो तो आपको पैसा नहीं देना होगा और आप एडमिशन ले सकते हो। तो एक अच्छा इनिशिएटिव है कॉलेज की तरफ से, जहाँ पर मैनेजमेंट का काफी अच्छा सपोर्ट रहा है, हर काफी सालों से रहा है ये जो चीज़ है, ये काफी सालों से है। खेलता था कॉलेज के लिए, मैं पढ़ता था तब, उस समय भी मुझे भी मिला था, क्योंकि मैं भी जब ए डिवीजन खेलता था और मैंने जब यूनिवर्सिटी को परफॉर्म किया था और प्लस रिप्रेजेंट किया था, तो उन्होंने फिर मुझे भी सपोर्ट किया था फ्रीशिप फैसिलिटी से। तो जैसे हमारे राजेश मौर्या सर है, उनका बहुत ही सपोर्ट रहा है, और एक अच्छे अच्छे जब प्लेयर्स एडमिशन लेना चाहते हैं तो उन्होंने वो उन प्लेयर को सपोर्ट करके एडमिशन करवाया है, तो जिसके लिए उनको मैं बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूँ सर को और प्लस मैनेजमेंट को भी। और आगे भी ये उम्मीद करता हूँ कि मैनेजमेंट ऐसे ही हमेशा हेल्प करती रहे हमें और हम इसी तरीके से मोटिवेट करते रहे बच्चों। दैट्स ग्रेट टू हियर. मतलब मैनेजमेंट ही आपको इतना सपोर्ट कर रही है, तो द प्लेयर्स विल डेफिनेटली डू वेल, इट्स विदाउट क्वेश्चन. सो अभी बात करते हैं टीम अचीवमेंट्स के बारे में. सो फार व्हाट आर द टूर्नामेंट्स जो टीम ने अभी तक जीते हैं? जब से मैं कॉलेज में आया हूँ तब से अगर हम बोले तो हर साल हमने टॉप 8 में रीच किया है, और लास्ट ईयर जो एक HR सुपर लीग हुआ था वहाँ पर हम चैंपियंस रहे थे। सुपर. तो ऐसे देखा जाए तो लास्ट 10 साल से हम देखे तो हमने टॉप 8 में रीच आउट किया ही है, और अभी वाह. हमारा मेन फोकस चल के जो टूर्नामेंट है यूनिवर्सिटी लेवल पे और DSO लेवल पे, तो उसको हम अगर आगे चल के हम जीतते हैं तो एक हमारे लिए एक बिगर अचीवमेंट हो सकता है। सुपर. अच्छा अच्छा लग रहा है सर कि यू नो एवरीवन इज वर्किंग हार्ड टुवर्ड्स वन गोल. सो मूविंग ऑन, आप ये क्रिकेट के जो भी एक्टिविटीज है वो कॉलेज में प्रमोट कैसे करते हो? जब भी हम सिलेक्शन रखते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस जब भी हम करते हैं, तो बच्चे इतने एंथुसियास्टिक है कि वो बहुत ही लार्ज नंबर्स में आते हैं सिलेक्शन के लिए। जैसे कि आप जानते हो क्रिकेट एक रिलीजन है इंडिया में, और क्रिकेट जहाँ भी बोले वहाँ लोग आते ही आते हैं। तो क्रिकेट एक गेम ही ऐसा है कि जहाँ पर जहाँ भी अगर कहीं TV पे अगर मैच भी चालू है तो लोग वहाँ पर खड़े होकर देखने लगते हैं, और कहीं अगर कोई ग्राउंड में अच्छा मैच चल रहा है तो वहाँ पर भी वो इंटरेस्टेड होके वहाँ पर खड़े होके अपना सब काम छोड़ के क्रिकेट पे फोकस करते हैं। तो बच्चे इतने एंथुजियास्टिक है, जब भी वो प्रैक्टिस देखते हैं मतलब कॉलेज में वहाँ से कॉरिडोर से खड़े रहके कि देखते हैं कि किस तरीके से प्रैक्टिस हो रही है, किस तरीके से लोग मेहनत कर रहे हैं बच्चे, और वो एंजॉय कर रहे हैं उस प्रोसेस को। तो वो प्रोसेस को देखकर, वो प्रैक्टिस को देखकर वो बहुत ही ये खुश होते हैं और वो सोचते हैं कि हमें भी खेलना चाहिए, और वो आके मुझे अप्रोच करते हैं जब भी मैं जिमखाना में होता हूँ, तो आकर अप्रोच करते हैं कि सर हमें भी खेलना है। तो इस तरीके से वो बोलते हैं कि सर अगर हम खेलेंगे तो हमें क्या फैसिलिटीज मिलेगी और हम आगे कहाँ पहुँच सकते हैं अगर हम कॉलेज लेवल पे अगर क्रिकेट खेलें। बिकॉज कैसा है कि अभी तक वो अवेयरनेस नहीं है बच्चों को ज़्यादा कि राइट कॉलेज या लेवल में हम खेले और वहाँ पर अगर हम परफॉर्म करते हैं तो हम क्या अचीव कर सकते हैं, हम कहाँ जा सकते हैं। तो अभी हमारा वही मेन फोकस होता है कि अगर आप यहाँ पर आप खेलते हो, यहाँ पर आप अच्छा परफॉर्म करते हो, तो आप यहाँ पर यूनिवर्सिटी के लिए परफॉर्म करोगे, और जब आप यूनिवर्सिटी को परफॉर्म करोगे तो आप जो एज ग्रुप है एज ग्रुप में आप पर के लिए आप सिलेक्ट हो सकते हो, प्लस एज ग्रुप में अच्छा करने के बाद आप रणजी ट्रॉफी के लिए खेल सकते हो, वहाँ से आप IPL को रिप्रेजेंट कर, वहाँ पर आप इंटरनेशनल लेवल को रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो वो एक स्टेप है, तो जो हम कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को मोटिवेट करते रहे और प्रमोट करते रहे आगे चल के। तो अगर उन्हें कुछ भी आगे चल के अगर वो कहीं पे स्टेट के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं या फिर रणजी ट्रॉफी को खेल रहे हैं, तो हम उनको कोशिश करते हैं कि उनको मोटिवेट करें, और अगर कुछ उनको अगर ट्रैवलिंग में कुछ इशू आ रहा है, कहीं पे उनको फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम उनको सपोर्ट करते हैं फाइनेंशियली भी। तो मैनेजमेंट इसमें बहुत ही की रोल प्ले करता है सपोर्ट करने के लिए। तो ऐसे देखा जाए तो पास्ट में हमारे पास जो कुछ प्लेयर्स जो खेल कर गए, काफ़ी यूनिवर्सिटी प्लेयर्स काफ़ी यूनिवर्सिटी खेल कर गए हैं, और जैसे कहो तो एक प्लेयर हमारा IPL भी खेला, सागर त्रिवेदी, आपने नाम सुना होगा, जो अभी पॉन्डिचेरी के लिए रणजी ट्रॉफी, तो उन्होंने मुंबई को भी रिप्रेजेंट किया है। तो वो राजस्थान रॉयल्स के लिए 1 साल खेले थे, और मेहराज खान जो रणजी ट्रॉफी खेले मुंबई के लिए, गंदार पटौड़ेकर जो अभी करंटली रेलवेज की टीम को खेल रहे हैं रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ऐसे काफ़ी प्लेयर्स गए हैं। तो अकेली प्रोसेस वो चल रहा है और अच्छे प्लेयर्स आ रहे हैं और कर रहे हैं, तो कोशिश यही है कि आगे चल के भी हम ऐसे फ्यूचर में भी एक अच्छे अच्छे प्लेयर्स आए यहाँ पर रिप्रेजेंट, और आगे चल के वो कॉलेज का भी नाम करे और प्लस अपना भी नाम करे। तो
लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। हम कोशिश वही कर रहे हैं कि कुछ अच्छे प्लेयर्स हम प्रोड्यूस कर सके। हाँ दैट्स ग्रेट टू हियर। तो आपका जो प्रमोशन एस्पेक्ट है वो तो बहुत अच्छी तरह से हो रहा है। यू आर गेटिंग आईपीएल लेवल प्लेयर्स इन द कॉलेज ऑल्सो, तो दैट इज सुपर्ब टू नो दैट प्लेयर्स आर कमिंग एंड वो वॉलंटरली आ रहे स्टूडेंट्स के थ्रू। सो या दैट्स इज ग्रेट टू नो। तो हाउ यू नो हाउ डू ऐसा वो ऑब्वियसली आपने रिस्पॉन्स तो बोला है कि रिस्पॉन्स इज वेरी पॉजिटिव फ्रॉम द प्रमोशंस। व्हाट आर द चैलेंजेस दैट यू माइट फेस ड्यूरिंग दिस? तो ऐसे कुछ आपको कठिनाई आए हैं अभी तक? चैलेंजेस वही है कि कैसा होता है कि जब एक्टिविटीज काफी है, जैसे आप स्पोर्ट्स आप देखेंगे तो हमारे कॉलेज में स्पोर्ट्स काफी है, राइट तो ग्राउंड बड़ा ना होने के कारण क्या होता है कि कभी कभी वो टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम हो जाता है कभी कभी। बट ठीक ओके है, बट हम अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं कि टाइम टू टाइम प्रैक्टिस रख देते हैं। जैसे 7 to 9 हो गया मॉर्निंग में, हम क्रिकेट की प्रैक्टिस रख देते हैं। फिर 9 to 11 हो गया, हम कबड्डी की प्रैक्टिस रख देते हैं। फिर आफ्टरनून में हम 2 to 2 4 PM हम ऐसे देखे तो हम वॉलीबॉल की प्रैक्टिस कराते हैं। तो इस तरीके से हम टाइम मैनेज कर रहे हैं। बिकॉज कैसा है कि हम हमारे साथ टोटल 3 टीचर्स हैं। मैं दालमिया कॉलेज में एज अ स्पोर्ट्स टीचर भी ये साल काम कर रहा हूँ, ये मेरा ओ पहला साल वंडरफुल है। हाँ, वंडरफुल। तो हमारा अभी यही प्लान है कि कैसे भी करके अभी स्पोर्ट्स को और प्रमोट करना है, और बच्चों को जितना हेल्प हम कर सकते हैं उतना हम हेल्प करेंगे। तो आगे चल के जो बच्चों को प्रॉब्लम्स आ रहे हैं रिगार्डिंग स्पोर्ट्स या फिर एजुकेशन के थ्रू, ऐसा ना हो कि बच्चे खाली स्पोर्ट्स ही खेले और लेक्चर्स नहीं बैठे। तो हमने ये प्रोसेस में ये क्राइटेरिया रखा है कि 50% अटेंडेंस आपको कॉलेज देगा और 50% आपको लेक्चर्स बैठने होंगे। बिकॉज एजुकेशन इज मस्ट एंड स्पोर्ट्स इज ऑल्सो, इफ यू आर पैशनेट सो यू हैव टू मैनेज बोथ। तो साइमल्टेनियसली दोनों चीज करेक्ट नहीं, ऐसा नहीं हो कि खाली आप स्पोर्ट्स ही खेल रहे हो और एजुकेशन पे आपने ध्यान नहीं दिया, या फिर आप एजुकेशन में ही हो और स्पोर्ट्स पे आप ध्यान नहीं दे रहे हो। अगर आपके पास अच्छा टैलेंट है, आप एक अच्छे प्लेयर हो, तो आपको लग रहा है कि मेरे लिए स्पोर्ट्स के साथ साथ एजुकेशन भी इंपॉर्टेंट है, तो रिगार्डिंग अगर कभी कभार ऐसा भी होता है कि बच्चों के मैच के दिन एग्जाम्स आ जाते हैं, तो टीचर भी इतने सपोर्टिव है कि वो भी हमें अलाउ करते हैं कि आप मैच आप अपने स्पोर्ट्स पे फोकस करिए, हम एग्जाम आपका बाद में ले लेंगे। जैसे एडिशनल एग्जाम वगैरह होते तो उसके लिए भी हमें अलाउ करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया पहले कि मैनेजमेंट इतना हेल्पफुल है, मतलब अगर हम फैकल्टीज की बात करें या हम मैनेजमेंट की बात करें या हमारे जो बच्चे हैं वो भी काफी इंथुजियास्टिक है, तो ओवरऑल देखे तो ये एक अच्छा बंच है, ये जो एक टीम की तरह एक काम कर रहा है। और मुझे लगता है कि इन फ्यूचर आने वाले दिनों में दालमिया कॉलेज अच्छे प्लेयर्स प्रोड्यूस भी करेगा और दालमिया कॉलेज का नाम और आगे जाएगा। सुपर सर, बहुत अच्छा लगा ये सुन के एक्चुअली कि लॉट ऑफ गुड थिंग्स आर हैपनिंग एट द सेम टाइम फॉर दालमिया कॉलेज एंड नॉट जस्ट इन क्रिकेट बट एज वेल एज इन अदर स्पोर्ट्स एंड एजुकेशनल एक्टिविटीज भी बहुत अच्छी है। सो दालमिया कॉलेज कौन से टाइप के टूर्नामेंट्स खेल रही है करंटली? करंटली तो अभी एग्जाम्स एग्जाम्स चालू है, सच बोलो तो टूर्नामेंट वो ऑलरेडी हो चुके हैं। तो हमने यूनिवर्सिटी जो मुंबई यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज करती है टूर्नामेंट, वो हमने रिप्रेजेंट किया। और एचआर कॉलेज ने एक इनिशिएटिव लिया है यंगस्टर्स के लिए, जो कि एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर T20 टूर्नामेंट्स करा रहे हैं। तो वो दो टूर्नामेंट फिलहाल डिग्री कॉलेज के लिए है। और जूनियर्स के लिए हम बात करें तो एक DSO टूर्नामेंट होता है जो डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑर्गेनाइज करता है। और देख दूसरा टूर्नामेंट है जो अंबेडकर ट्रॉफी पहले बोला जाता था, बट अभी इस साल से जो रिजवी कॉलेज ने इनिशिएटिव लिया है एक टूर्नामेंट का, तो जो फिलहाल T20 फॉर्म, मुझे लगता है आगे चल के वो टूर्नामेंट और काफी बड़ा होगा और अच्छा होगा। बिकॉज MCA ने इन्वॉल्वमेंट उसमें दिखाया है, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने, तो बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है अगर सच कहें तो यंगस्टर्स के लिए। तो यंगस्टर्स बट अपना काम करें, बाकी टूर्नामेंट्स अच्छा, उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि ओवरऑल बहुत अच्छा होगा कि जब टूर्नामेंट ऐसे कुछ टूर्नामेंट्स होते रहेंगे या फिर कोई और इंस्टीट्यूट इनिशिएटिव लेगा ऐसे टूर्नामेंट्स करने का जहाँ पर बच्चों को अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकेगी, तो वो खुद के जो टैलेंट है उसको वो दिखा सकेंगे और अच्छा कर सकेंगे। तो होप कि आगे चल के भी ऐसे टूर्नामेंट्स आते रहेंगे और जो जिससे बच्चों को फायदा भी होता रहेगा उसका। ग्रेट एंड ऐसे कुछ अपार्ट फ्रॉम द मेन एसोसिएशंस एंड यूनिवर्सिटी के टूर्नामेंट्स कौन से प्राइवेट टूर्नामेंट्स में भी पार्टिसिपेट करती है कॉलेज? यस डेफिनेटली, प्राइवेट टूर्नामेंट्स में करती है। जैसे मैंने आपको बताया कि HR सुपर लीग एक प्राइवेट टूर्नामेंट ही है, तो
ओके और काफी ऐसे अपना फेस्टिवल्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं जहाँ पर बॉक्स क्रिकेट के टूर्नामेंट्स होते हैं, कहीं कहीं पर ओवरआर्म टूर्नामेंट होते हैं, तो और ऐसे बाकी अदर स्पोर्ट्स के भी होते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि जितना स्पोर्ट्स को प्रमोट कर सके, जितना बच्चे ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट कर सके, हमारा फोकस मेनली उस पर ही रहता है। तो हम बच्चों को कभी मना नहीं करते कि आप यहाँ पर मत जाइए, आप वहाँ पर नहीं जाइए करके, हमेशा कॉलेज ने सपोर्ट किया है जैसा मैंने कहा। और हमेशा वो कहता भी है कि अगर आपको कहीं जाना है, कहीं कोई भी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना है, तो आप बिंदास दिल खोल के वहां पर जाइए, अपने आप को एक्सप्रेस करिए और वहां पे अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश कीजिए। सुपर। सो जस्ट वन लास्ट क्वेश्चन फॉर यू कि आप 8 साल से दालमिया कॉलेज के कोच थे। सो अभी यू नो हेंस फोर्थ या अगर आपका ड्रीम अचीव हुआ रहेगा, बट व्हाट इज दैट वन थिंग यू वांट टू अचीव एज अ कोच फॉर दालमिया कॉलेज? एज अ कोच से बोलूँ तो मैं चाहता हूँ कि हमारी जो टीम है वो जो यूनिवर्सिटी लेवल पे जो टूर्नामेंट हो रही है वो हम जीतने की कोशिश करना चाहेंगे। तो मेरा जब मैं खेलता था कॉलेज खेले तो मेरा भी यही गोल था कि हम यूनिवर्सिटी जो टूर्नामेंट है, जो मुंबई यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करती है, वो टूर्नामेंट में हम चैंपियन हों, और जो जूनियर के लिए डीएसओ है उसके लिए चैंपियन हो। डीएसओ में तो मतलब तो जूनियर में मुझे वो मौका नहीं मिला डीएसओ टूर्नामेंट खेलने का, बट अभी जो बच्चों को मौका मिल रहा है तो मैं तो उनसे भी यही कहना चाहूंगा कि आप पर अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उसको दोनों हाथों से ग्रैब करने के लिए देखिए। तो कोई भी मैच अगर आप कहीं पे भी खेल रहे हो, या फिर आप प्रैक्टिस मैच खेल रहे हो, या फिर आप कोई टूर्नामेंट का मैच खेल रहे हो, तो आपको सेम इंटेंसिटी से खेलना चाहिए। ऐसा ना हो कि प्रैक्टिस मैच है तो हम थोड़े से कैजुअल अप्रोच से जाए या और टूर्नामेंट को खेले। तो जब कोई इनिशिएटिव ले रहा है और आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है तो मुझे लगता है कि उसको दोनों हाथों से ले और वहां पे खुद को एक्सप्रेस करें, जितना हो सके उतना गेम को एंजॉय करें, तो उतना इजी हो जाएगा आपके लिए परफॉर्म करना। बिकॉज अगर आप प्रेशर लेके खेलेंगे तो फिर वो बात नहीं बनेगी और जो आपका जो परफॉर्मेंस है, जो आपका टैलेंट है, वो बाहर निकल के बाहर नहीं आ पाएगा। तो मेरी कोशिश ये है कि हम आगे चल के ये जो टूर्नामेंट्स है वो टूर्नामेंट्स जीते और चैंपियन हो और कॉलेज को एक एक बिगर अचीवमेंट दे सके। I mean, I would definitely say कि दालमिया कॉलेज is very lucky to have you as a coach. And उसके अलावा मैनेजमेंट ऑल्सो इज वेरी सपोर्टिव, सो आई डोंट सी ए रीजन वाई द कॉलेज वोंट विन द टूर्नामेंट्स विच आर कमिंग इन द नेक्स्ट सीजन. तो सर यही क्वेश्चन से हम लोग की इंटरव्यू खत्म होती है. थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग अलॉन्ग, फॉर टेकिंग आउट द टाइम, एंड गुड लक फॉर द अपकमिंग टूर्नामेंट्स. थैंक यू विग्नेश, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू.